सुबह का नाश्ता और पेस्ट कड़े खाने ची भाई नहीं पता पेस्ट नहीं खाते सारे रखी थी मैं रुक जा तो सारे तो अच्छा ही है शुरू हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन की बैटरी तकरीबन ख़त्म हो गई है, 1% रह गई थी जब हम हाइकिंग स्टार्ट करने लगे थे। तो जब हम हाइकिंग कर रहे थे तो उसके बाद फ़ोन मेरा बंद हो गया था। तो अब आके जो है मैंने फिर थल आए हम वापस, क्योंकि उधर जब हम हाइकिंग करके पहुंचे उधर टॉप पे, तो हमारा एक दोस्त था जिसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम अब वापस जाएंगे थल, आगे फिर हम कटोरा लेक की तरफ नहीं गए। तो उसके लिए माजरत, फिर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह फिर आपको कटोरा लेके सैर करवाएंगे। तो रात को ही हम वापस आ गए थे थल में, और इस जगह पे हमने रात को स्टे किया था। ये कमरा था, इधर हमने रात को स्टे किया था। अभी नाश्ता वगैरह कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस लाहौर की तरफ। रास्ते में देखें कहीं स्टे करते हैं, स्वात के बाग में जाते हैं, कहीं इधर उधर स्टे करते हैं, तो वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। तो अभी हम लाहौर की तरफ सफ़र स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हैं खान साहब, ये सारे सफ़र में हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें सारी सैर करवाई, कुमराट भी लेके गए, उसके बाद टिकी टॉप तक भी ये हमारे साथ है। तो आगे हम नहीं जा सके कुमराट, तो कुमराट कह रहा हूँ जहाज़ बांडा ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि एक दोस्त की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी और घोड़े भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ही स्टे करें। फिर ये जो आपने जगह देखी है, ये पीछे जिधर हमने रात को स्टे किया है, ये इन्हीं का ही है गेस्ट हाउस। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ स्टे करें, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने माशाल्लाह रात का डिनर भी करवाया, फिर सुबह का नाश्ता भी। तो बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने इतना कोऑपरेट किया। तो दोस्तों, अब आगे लाहौर का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये खरोट का दरख्त है, ये देखें इस पे खरोट लगे भी हुए हैं, ये देखें ये खरोट लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, इनको उतारेंगे बाद में फिर जब पक जाएंगे। अब लाहौर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं हम सब, सबने पैकिंग वगैरह कर ली है, सामान रख लिया गाड़ियों में, जाने के लिए तैयार है। देखिए सब तैयार हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस लाहौर की तरफ। रास्ते में कोई व्यू पॉइंट आएंगे, कोई स्वात, अगर स्वात के किसी बाग में रुके तो वो भी आपको दिखाएंगे। आड़ू 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 आपको मैंने दिखा दिया, ये स्वादिष्ट और ये अखरोट, आड़ू ने अखरोट दिखाया, अखरोट 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 खुबानी, जिनको ये भाई सेब लाल सेब, जिनको ये भाई कहते रहे जी ये ओले हैं चार में, ये अखरोट के दरख्त को ओले कहते रहे, इनको दिखाया जाए पता कुछ भी नहीं है, माफी मांगी जाए, सॉरी करे ऑडियंस से, व्यूअर्स से सॉरी करे। हाँ, गुड हो गया, इंग्लिश में सॉरी। अब हम स्टार्ट करने लगे अपना लाहौर के लिए सफर। भाई ने आपको इंग्लिश में सॉरी कहा, इंग्लिश में माफी मांगी, तो इसे जरा माजरत से माफी दे दीजिएगा। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अपने जिया भाई खान साहब को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हमारे दोस्तों को भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब लाहौर की तरफ सफर स्टार्ट करने लगे।
लेक फेल हो गई। ये देखे पूरी लेक खींची हुई है, उसके बाद भी गाड़ी नहीं रुक रही। अल्लाह का शुक्र है बाल बाल बचे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि जब स्वात एक्सप्रेस वे से नीचे उतर रहे थे तो डलवान है तो एकदम से ब्रेक्स फेल हो गई। गियर फुल लोड पे एल पे कर दिया और उसके बाद हैंड ब्रेक भी फुल खींच ली, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। अब नीचे जब उतरे हैं मोटरवे पे तो अब ब्रेक से उसकी डलवा रहे हैं मैकेनिक से, ताकि आगे लाहौर की तरफ बाद में सफ़र स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रेक्स होंगी तो फिर रहना, क्योंकि मोटरवे पे भी सफ़र करना इतना। अभी ये भी ब्रेक्स डलवा रहे हैं। ये देखें डिस्क सारी जो है टायर के साथ घिस घिस के, क्या हाल हो गया उसका। लाहौर तक चली गए, मसला नहीं है, खराब हो जाते हैं, फिर डिस्क खराब हो जाएगी, डिस्क पे खराब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसका डिस्क का क्या करें, पॉलिश तो लिया, फर्की तो लिया, क्या करना, फर्की तो ना पॉलिश हो गई है। इधर गर्मी काफी ज्यादा है तो फराज भाई और उमर भाई एक गोला लेके आए हैं, अब ये हम गोला खाएंगे यहाँ का। इसमें उन्होंने नमक तक डाल दिया और नींबू डाल दिया, नींबू भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया, पता नहीं किस तरह का गोला ये, लेकिन खाएंगे तो फिर पता चलेगा। उतनी देर जो है मैकेनिक भाई ये अपना काम कर लें। ये देखें क्या हाल हो गया, ये देखें वो लेदर ने ना उसको सारा अंदर से घिसा दिया, सारे को सारा अंदर से घिस गया लेदर की वजह से। अब वो कह रहे हैं डिस्क को पॉलिश करना है, अगर पॉलिश ना किया तो ये ब्रेक्स दोबारा फिर फेल हो जाएंगी, मुमकिन है कि ये टूट भी जाए, इसलिए अब इसको पॉलिश करेंगे। ब्रेक्स वगैरह डलवा ली हैं अब गाड़ी की, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, बाल बाल बचे हैं, जितना शुक्र अदा करे अल्लाह का काम। अब ब्रेक्स वगैरह डलवा ली हैं, अब हम लाहौर की तरफ सफर स्टार्ट करने लगे हैं। ये गाड़ी आ रही है, अब जा रहे हैं हम लाहौर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरोफियत के साथ घर आ गए हैं, घर आके फ्रेश हो गए हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, सुकून सुकून मिल गया है। वाकई घर घर हो, अपना घर अपना ही घर होता है। दोस्तों आपने ये सफ़र किया है, उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय करेंगे, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी इस तरह के सफ़र पर जाएँ तो एहतियाती तदाबीर को मलबूज खातिर लाजमी ले गए हैं, यानी कि अपनी गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह, पानी वगैरह, रेडिएटर का पानी, जनरल वगैरह, ये चीज़ें चेक करके जाएं कि ठीक है, ताकि आपको इस तरह के मुकामात पे जाकर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक और बात कि अपने साथ पावर बैंक ले जाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के मुकामात पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की जगह पर जाएँ और आप हसीन मुकामात को कैप्चर ना कर सकें। दोस्तों अपने साथ पावर बैंक भी लाजमी लेके जाएँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो, ये ब्लॉग, हमारी ये इन्जॉयमेंट ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।